सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जो यूपी टेट हैं उनके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने सॉल्व कराया था, उसके 30 प्रश्न देखे थे। अगर वो आपने नहीं प्रैक्टिस किए हैं, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट की, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, किरातुर जुनियम के प्रथम जो सर्ग है उसमें वनेचर वार्तालाप कर रहा है दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी से या भीम से। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। किरातुर जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर जो है वो वार्तालाप कर रहा है। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युधिष्ठिर से। अगला प्रश्न 2 है हमारा कि विश्व इतिहास या विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है, रामायण, महाभारत, शिशुपाल वध या भगवत गीता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है। बात करते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाभारत जो है हमारा विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न 3 है हमारा कि किरातुर जुनियम का मुख्य रस जो है वो क्या है, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। किरातुर जुनियम से रिलेटेड काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है इसको जान जरूर लीजिएगा। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है इसका मुख्य रस कौन सा है, तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीर रस। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है हमारा, चारुदत्त जो है वो क्या है, नायक है, नाटक है, दोनों है या मंत्री है। तो आपको बताना है कौन सा जो है इन चारों में से सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, नायक और नाटक जो है हमारा दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 है, वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियां जो हैं वो कितनी हैं, 52 हैं, 26 हैं, 21 हैं या 48 हैं। संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों ही बार जो है ये पूछा जाता है टोटल जो है वो जो मूल ध्वनियां हैं, तो आपको बताना है 52, 26, 21 या 48 में से वैदिक जो संस्कृत भाषा है उसमें जो है वो मूल ध्वनियां कितनी हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52। अगला प्रश्न 6 है कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो नासिका और तालु से जो है वो बोली जाती है, खा, टा, भा या इया। तो आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। बात कर लेते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ ये जो है हमारा नासिका और तालु जो है इससे बोली जाती है। अगला प्रश्न 7 हमारा कह रहा है कि प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से जो है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको बताना है जो है वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जो है वो स्वयं से पढ़ के जो है वो उत्तर सोच सकते हैं। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊका लो डप ज स्व दीर्घ प्रुताहा, ये जो है हमारा सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 हमारा कह रहा है कि तालवा दिशु सभागेशु अधो भागे निष्पन्ना अच किम संज्ञम स्यात्, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो है वो कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुदात संज्ञम जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 है हमारा, कस्मिन प्रत्ने विंशति वर्णाः भवन्ति। ऑप्शन ए है हमारा स्वरिते, दूसरा ऑप्शन है उदात्ते, तीसरा ऑप्शन है अनुदात्ते और चौथा ऑप्शन है संवारे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका संवारे, यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 है हमारा, पितृ शब्द का पितृ रूप जो है वो विभक्ति का है, पंचमी, तृतीया, सप्तमी या प्रथमा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा, पितृ शब्द का पितृ रूप जो है वो विभक्ति का है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
पंचमी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 प्रश्न है हमारा, कि भगवदभि जो है रूप किसका है आपको बताना है। चतुर्थी एकवचन, पंचमी द्विवचन, तृतीया बहुवचन या चतुर्थी द्विवचन। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है हम और अच्छे से अच्छा जो है वो वीडियो बना सकें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीया बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 भूतकाल के लिए प्रयोग होता है लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार या फिदलिंग लकार। आपको चार ऑप्शन में बताना है भूतकाल के लिए क्या प्रयोग होता है। BTC के लेवल पर आपने जो संस्कृत पढ़ी है वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपके में थी भी कोर्स में। बात करते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंग लकार जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 है, यथा जो है वो किसका वाचक है, रीति का, स्थान का, सर्वनाम का या समय का। यथा जो है आपको बताना है किसका वाचक है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीति का। अगला प्रश्न 14 है, अपनेति शब्द में जो है वो जुड़ा उपसर्ग है, आ उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अप उपसर्ग या अध उपसर्ग। चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही है। तो बात करते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप उपसर्ग जो है ये अपने इति शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 है हमारा, धीरतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। 5 से 10 सेकंड तक का जो है मैं सभी प्रश्न में आपको लगभग कोशिश कर रहा हूँ देने के जिससे कि आप सोच सकें। तो बात करते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमप। अगला प्रश्न 16 है कि वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो पुरुष स्त्री एवं दोनों के ना होने का जो है वो बोध कराते हैं। यहाँ पर ना होने का जो है वो पूछा है इसलिए ध्यान रखिएगा वे जो है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लकार, ऑप्शन सी लिंग और चौथा ऑप्शन है हमारा विशेषण। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिंग। वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो पुरुष स्त्री एवं दोनों के ना होने का बोध कराते हैं वे जो हमारे लिंग जो है वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न 17 है हमारा, इनमें से द्विवचन का रूप है बालकाहा, नराहा, बालिके, लताहा। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है आपको बताना है द्विवचन का रूप जो है वो कौन सा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालिके। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 है हमारा, तत्र वोक्तम संधि विच्छेदाह कथम। आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है आपका कौन सा सही होगा। मैं यहाँ पर 10 सेकंड जो है आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा काफ़ी बार इन्हीं से संधि भी पूछ ली जाती है तो उनको भी जो है आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना होगा। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तत्र प्लस एव प्लस उक्तम, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 है, लत्व संधि का सूत्र जो है वो कौन सा होगा। चार यहाँ पर ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो लत्व संधि का जो सूत्र है उसका सूत्र जो है उसकी बात करें तो सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है तोरली, यही जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 है, पद संबंधी विधि जो है वो किससे होती है। पहला ऑप्शन है क्रिया से, दूसरा ऑप्शन है प्रातिपदिक से, तीसरा ऑप्शन है संधि से और चौथा ऑप्शन है समर्थ से। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समर्थ से। पद संबंधी जो विधि है वो किससे होती है, समर्थ से। अगला प्रश्न 21 है, समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होगा। समसनम, समासाहा, सम प्लस आ, सम प्लस अस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है शाब्दिक अर्थ जो है वो इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समसनम समासाहा, यही जो है आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 22 है, जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, वो समास जो है वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 23 है हमारा, अवगुणाहा किसका विलोम है? गुड़ी का, अवगुड़ी का, गुड़ाहा का या सर्वगुड़ाहा का? ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो सभी प्रश्न में लगभग 5 से 10 सेकंड जो है आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि आप स्वयं से सोचकर जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। तो बात करें उत्तर की। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुड़ाहा का। अगला प्रश्न 24 है, इनमें से प्राणी पाणी जो है उसका पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? कराहा, भूसराहा, जननी या पादम? आपको बताना है ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कराहा, ये जो है आपका सही हो जाएगा, पाणी जो है उसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 है, कनक कनक में जो है वो क्या भिन्नता है? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा सही होगा। यदि आपने वो लाइन सुनी होगी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो वहाँ से आप यदि उसको अलंकार की दृष्टि से देखें तो आप यहाँ पर जो है वो उत्तर सही टिक कर ले जाएंगे। तो बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक का अर्थ जो है वो धतूरा होता है तथा दूसरे का अर्थ जो है वो स्वर्ण होता है। अगला प्रश्न 26 है, सुरेश से भूमि मांगता है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो है कौन सा सही होगा। आपको बताना है सुरेश से भूमि मांगता है, इसका जो है वो इन चारों में ऑप्शन में से जो है वो कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुरेशम याचते वसुधाम, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 देखते हैं कि तेन इदम पुस्तकम पठितम का कृतवाच्य जो है आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है जो है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से 27 प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर हुआ है। 30 प्रश्न तक हम बात करेंगे, तो यानी कि 3 प्रश्न जो है अभी हमारे और रह गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सह इदम पुस्तकम पठति, यही जो है आपका कृतवाच्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 है, सुभाषित रत्न संदोह के लेखक जो है वो कौन है? रूप गोस्वामी, अमित गति, श्रीवर या श्रीधर दास? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। लेखक आपको बताना है, सुभाषित रत्न संदोह के लेखक जो है वो कौन है? तो बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित गति जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जिसने जिसने संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो लेने के लिए सोच लिया है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उन्होंने संस्कृत लेने का जो है वो डिसाइड किया है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उससे पता चलेगा कि संस्कृत के जो प्रैक्टिस सेट है हम उसको आगे भी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अभी तक हमने पहला देखा, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि ज़्यादा लोग होंगे तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में और ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न 29 है कि संकेत ग्रह का प्रमुख साधन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास चार हैं, लोक व्यवहार, सत्य असत्य या ज्ञान? आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका लोक व्यवहार, यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है लोक व्यवहार आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की। प्रश्न 30 हमारा कह रहा है, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास माँ से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक से, तीसरा ऑप्शन है आस पड़ोस से और चौथा ऑप्शन है कुटुंबियों से। आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। बात की जा रही है यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण की, तो इसको संज्ञान में रखकर जो है वो अपना उत्तर जो है वो यहाँ पर सोचिएगा। तो बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माँ से, तो यही जो है हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 30 प्रश्न की बात करी, 30 प्रश्न में से आपके कितने सही रहे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। जितने भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा उतनी जल्दी मैं संस्कृत का प्रैक्टिस नंबर 3 भी जो है आपके लिए लेके आऊँगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो जो है हम आपको और जल्दी से जल्दी और टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और अच्छी से अच्छी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।